व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल जयपैक बॉयज। एक और एपिसोड के साथ आपका भाई, आपका दोस्त रेहान तनवीर हाजिर है। आज की इस एपिसोड में हम जा रहे हैं अपनी जो फॉर्च्यूनर है उसको रोल्स रॉयस ट्रीटमेंट देने। रोल्स रॉयस ट्रीटमेंट क्या होता है बेसिकली, जैसे कि अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, रोल्स रॉयस ऑफर करता है फ्रॉम इट्स कंपनी स्टारूफ। स्टारूफ में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, 700 या 800 स्टार्स होते हैं, शूटिंग स्टार भी होता है। आप कलर, ब्राइटनेस, एवरीथिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं मैंने सबसे पहले अपने रेवो में किया था और माय फैमिली लव्स दिस पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन व्हिच आई डिड और सारे पैसे वसूल कर देती है चीज़। सो बॉयज, हियर वी आर। गाड़ी जो है हमने ड्रॉप कर दी है और गाड़ी को हम अंदर से ब्लैकआउट भी करने लगे हैं, ठीक है। इस तरह से खर्चे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जब एक बारी चीज़ हो ही रही है तो फिर वो पूरी हो जाए, तो अंदर से पूरा इंटीरियर ब्लैकआउट कर रहे हैं हम और साथ में जो स्टार रूफ है वो तो इंस्टॉल हो ही रही है, ठीक है। चलते हैं अभी, हम आएंगे अब वापस जब ये लोग, भाई ब्लैक हो चुकी होगी रूफ और रूफ में लगा रहे होंगे स्टार लाइट। लेट्स गो। सो बॉयज, इट वाज गुड मीटिंग आवर बॉयज ज़ेफा एंड हसन आफ्टर लिटिल लॉन्ग टाइम। और माशाल्लाह गाड़ी जो है वो रैप होने के बाद बहुत ही नेक्स्ट लेवल लग रही है माशाल्लाह इस कलर में। और हम अभी घूम रहे हैं क्रूज़र में क्योंकि हमारी गाड़ी तो खड़ी हुई है वहाँ पे जहाँ पे उसके स्टार रूफ का काम हो रहा है और इंटीरियर फुल ब्लैक आउट हो रहा है और एक अमेजिंग इंटीरियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। खैर, चलते हैं हम अब आपको अगले दिन की तरफ लेके चलते हैं। कल ही मिलेंगे आपसे इसी व्लॉग में और आपको दिखाएंगे कि क्या अपडेट है हमारी फॉर्च्यूनर पर। It was at this moment that he knew he fucked up. So boys, this is day 3, nahi 2. So basically boys ne 24 hour mein dena tha lekin they took an extra day. Theek hai, unke apne reasons the. Khair, the main point is ki gaadi blacked out ho chuki hai aur aap log apne background mein dekh sakte hain gaadi blacked out hone ke sath sath hamare paas suede ki जो है वो पूरी रूफ आ गई है विद स्टार रूफ। ये स्टार रूफ बेसिकली रोल्स रॉयस ने सबसे पहले ऑफर करना शुरू की थी। रोल्स रॉयस एक लग्जरी कार मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है जो कि कंपनी से ये चीज़ ऑफर करता था जिसको OEM कहते हैं। OEM का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो वो OEM ऑप्शन था कि कंपनी से आप एक्स्ट्रा पैसे दे के स्टार रूफ ले सकते। लेकिन भाई, हम अभी रोल्स रॉयस तो नहीं ले सकते, इंशाल्लाह कभी ना कभी लेंगे, ऑलवेज एम आई, तो इंशाल्लाह कभी ना कभी लेंगे। लेकिन तब तक के लिए अपने को भाई रोल्स रॉयस वाला शशका ज़रूरी था, तो उसके लिए हमने किया ये कि हमने अपनी इसी गाड़ी में रोल्स रॉयस वाली रूफ इंस्टॉल करा ली। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अमेजिंग लग रही है, अपनी स्क्रीन पर शॉर्ट्स भी देख रहे होंगे। माशाल्लाह पूरा मतलब ब्लैक्ड आउट होके और ब्लैक रूफ, एवरी इंटीरियर पैनल ब्लैक विद दिस स्टार रूफ इज लुकिंग अमेजिंग, लाइक अमेजिंग माशाल्लाह। ये थी हमारी स्टार रूफ, आप लोगों ने देखी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरा इंटीरियर अब जो है ना वो मेरे मुताबिक कंप्लीट लग रहा है मुझे, ठीक है। हमेशा कुछ गुंजाइश होती है, जब हम कभी रैप चेंज करेंगे तो हम इंटीरियर का पूरा थीम ही चेंज करेंगे ना, ठीक है। इसको कुछ स्पोर्टियर टाइप, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना कुछ ऐसा कुछ कर देंगे। खैर, राइट नाउ हमारा सफर शुरू हो चुका है टूवर्ड्स नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान और हम गामजन हैं टूवर्ड्स। हमारा पहला स्टॉप डेट वुड बी बाटा कुंडी, सेकेंड स्टॉप वुड बी अमेजिंग डेट वुड बी अटाबाद लेक। और जो मैंने होटल बुक किया है, रिजॉर्ट है, होटल है, उससे पिक्चर्स को देख के तो मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। अब वहाँ जाएंगे देखेंगे तो पता चलेगा क्या पिक्चर्स में जो था वही मिला है या कोई और चीज़ है, ठीक है। तो चलते हैं, हम अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। सो बॉयज, दिस इज़ डे 2। कल हम बाटा कुंडी जा रहे थे और अल्लाह पाक ने हमें बहुत बड़े हादसे से बचाया है।
हुआ कुछ यूं कि बारिश बहुत तेज थी और हमारी जो डेस्टिनेशन थी वो बाटा कुंडी थी। हम नारान तक पहुंच गए थे, यहाँ पे हमने खाना खाया, खाना खा के निकले हैं। यहाँ से कुछ 6 किलोमीटर आगे, इसी रोड पे 6 किलोमीटर आगे जो है ना, एक जगह पे लैंडस्लाइड हुई हुई थी और मेहरान जो है ना वो कीचड़ में फंसी हुई थी ना, ठीक है। बारिश हल्की हो गई थी, धीमी हो गई थी ना। मेरे साथ 2 ट्रक वाले आके रुके हैं। अच्छा, अभी हम बात ही कर रहे थे कि यार क्या करें, कोई रास्ता है, कोई तरीका है, क्या करें ना। तो मीनवाइल अचानक तेज बारिश शुरू हुई और सेकंडों में लैंडस्लाइड होना शुरू हो गई है। अल्लाह पाक ने बस किया है, समझ नहीं आया किस तरह हाथ चले, क्या हुआ है। गाड़ी रिवर्स की है और गोल घुमा के बस फेंकी है, जिस तरह हम लोग मतलब रिवर्स में फेंकते हैं ना गाड़ी, उस तरह गाड़ी फेंकी है और 4x4 में गाड़ी डाल के बस भगाता गया हूँ। उसके बाद मैं नारायण वापस आया हूँ और यकीन मानो अभी भी सोच रहा हूँ ना हाथ पाँव कांप रहे हैं। तो मतलब ये तो मेरी स्ट्रिक्ट जो है ना वो एक चीज़ है जो मैं सबको बोलना चाहूँगा कि भाइयों अगर आप इधर आओ, बारिश हो रही हो, रास्ते में किसी भी होटल में रुक जाओ, बारिश में ट्रेवल मत करो, जान से बढ़ के कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ जो व्हाट आई फाउंड आउट इन ऑन दीज रोड्स कि यार लोगों को तो अपनी गाड़ियों से कोई मोहब्बत ही नहीं है यार। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। वो फकिंग किस तरह गाड़ी चला रहे हैं यकीन मानो, मतलब छोटी गाड़ी वाले, कल्टस, ऑल्टो, मेहरान वाले इस तरह गाड़ियां चला रहे हैं जैसे कि या तो हराम के पैसे की गाड़ी है, ठीक है, या तो पता नहीं क्या कुत्ते पीछे लगे हुए हैं, चोर डाकू पीछे लगे हुए ना। तो बड़ा अफसोस हुआ यार ये देख के थ्रू आउट द रूट, ठीक है। और नॉर्मल लोग फैमिलीज और बच्चे बिठा के ना, ऐसा नहीं था, मतलब बहुत जगह पे मैंने प्रॉपरली नोटिस किया जो लोग थे वो फैमिली वाले थे ना, ठीक है। तो बड़ा ही बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ऑफ सीन है इससे रिलेटेड। इधर आए, तहम्मुल रखे अपने पास, भाई कोई बात नहीं, आधा घंटा एक घंटा लेट पहुंच जाएंगे, क्या हो जाएगा एक घंटा लेट पहुंच के, आपको कोई मतलब क्या। ये बात अगर हम समझ लेना आधी हमारी जिंदगी के मसले हल हो जाए, ये जल्दबाजी हमारे अंदर की खत्म हो जाए। खैर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टॉप अटाबाद की तरफ। हिम्मत नहीं थी कल रात को, तो आपके भाई ने बोल दिया था बस अब घर जाऊंगा, ठीक है, लेकिन चल लेते हैं। अच्छी लग रही है BMW, माशाल्लाह X5 लग रही है। वही सीन कुछ ऐसे हैं कि हम जाने लगे थे आगे, वापसी कोशिश कर रहे थे रात के हादसे के बाद, हमने कहा एक ट्राई और करें, लेकिन वहाँ पे लैंडस्लाइड एक के बाद 2-3 और जगहों पर यह रास्ता बंद है। आई एम विद माई फैमिली, आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई लाइफ और माई फैमिलीज लाइफ, सो आई एम गोइंग बैक, नॉट बैक एज इन बैक टू होम, गोइंग टू सम अदर डेस्टिनेशन, प्रॉब्ली नकिया गली और आई डोंट नो। ज़्यादा जो है ना रश है, आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ड्रोन के शॉट्स में भी देख सकते हैं, रश इतना ज़्यादा है कि उस तक कोई इम्तिहान नहीं है। जब इतना रश है तो फिर वो रश जो है वो सब चीज़ों को मार देता है ना, तो फिर ऐसे मज़ा नहीं है ना भाई, तो ऐसे मज़ा नहीं है मेरा भाई। अभी यहाँ पे हमने नाश्ता नहीं किया, दोपहर के 3 बज गए, नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके मूव करते हैं टूवर्ड्स नकिया गली, कंटिन्यू करते हैं अपना सफ़र खूबसूरत स्टार रूफ के साथ। तो बॉयज हम पहुंच गए थे नथिया गली कल। नथिया गली पहुंचने के बाद हमने किया कुछ यूं कि हम सबसे पहले गए कैल्डीज कैफ़े, जहां का फूड इज़ वेरी अमेजिंग, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, इट्स लुक्स वेरी टेम्पटिंग एंड इट इज़। खैर उसके बाद हमने फ़िलहाल एक जगह पे एक रात गुजारी, क्योंकि यहां पे बहुत रश है, टूरिज़्म का टाइम है, वेकेशन चल रही हैं। तो खैर वहाँ से हम उठे और उठ के आज हम आए हैं इस अमेजिंग रिजॉर्ट में जिसका नाम है रिजॉर्ट 99 एंड इट्स अमेजिंग। यहाँ से व्यू इज़ अमेजिंग, यकीन मानो सारे पैसे ना भाइयों इस व्यू के। खैर रूम इज़ अमेजिंग, एवरीथिंग इज़ अमेजिंग, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो है वो बहुत बड़े हादसे से बचाया, मैं अपने मालिक का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, मैं अभी भी वो इंसिडेंट याद कर रहा हूँ तो मैं बहुत अजीब हो रहा है मेरा दिल, मुझे रोना आ रहा है। मैं मतलब यार अल्लाह ने मुझे मौत से बचाया, मैं फैमिली के साथ था, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बताते हुए आप लोगों को। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिज्ज़ो मान में रखे। भाइयों अगर ट्रैवल करना हो तो वेदर देख के, वहाँ की न्यूज़ देख के फिर ट्रैवल करना, टूवर्ड नारान एंड दैट साइड जो लोग गए हुए हैं वहाँ से भी यही न्यूज़ आ रही है कि रोड्स बंद हो रहे हैं, बहुत ज्यादा लैंडस्लाइडिंग हो रही है। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। गाइस इट्स अ रैप फॉर टुडेज वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और जो मैंने हार्ड वे सीखा उसको आप इजी वे में मेरी बातों से और जो मैंने चीज़ एक्सपीरियंस की उससे सीखेंगे।
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो सब मुझे नारायण कागान नथिया गली हर जगह पे मिले, आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। फैमिलीज के साथ होते हुए भी आप लोग टाइम निकाल के मुझसे मिलने आए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर योर लव। भाई को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मतलब भाई के चैनल को, और इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिएगा। रखिएगा ढेर सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।